वेरिकोज वेन्स, जी हाँ नाज़रीन किराम, घुटने के पीछे वाले हिस्से और रानों की तरफ हरे और ब्लू कलर की रगों का नजर आना वेरिकोज वेन्स कहलाता है। आजकल इस बीमारी में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान आज के इस वीडियो में इसका इलाज लेकर आया हूँ। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी बीमारी है जो खवातीन में उमूमन प्रेगनेंसी में आ जाती है। उमूमन प्रेगनेंसी में खवातीन में ये बीमारी आ जाया करती है और उसका वक्त रहते इलाज ना किया गया तो फिर ये बात प्रेगनेंसी के भी नहीं जाती। मर्द हजरात में इसके आने की एक सबसे बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन यानी के खब्ज को बताया जाता है। ये बीमारी लाइलाज है, बिल्कुल कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। बहुत सारे लोग जाते हैं और उसका कलर डुपलर कराते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि कहीं ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस में तो कन्वर्ट नहीं हो गया, डीवीटी में तो कन्वर्ट नहीं हो गया। तो ये क्योंकि अगर डीवीटी में कन्वर्ट हुआ है तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है और बहुत सारे मसाले में होता है। कई लोग जाकर उसकी लेज़र से सर्जरी कराते हैं लेकिन एक वेन को जब आप साफ करवाएंगे उसके बाजू वाली वेन्स में फिर से वो प्रॉब्लम आ जाती है। वेरिकोज वेन्स में सबसे ज़्यादा मर्द हजरात से ज़्यादा खवातीन मुब्तला होती हैं और इसका कोई इलाज मेडिकल साइंस में आज तक सिवाय इसको प्रोसीजर के मेंटेन करने या ऐसे कामों में पेशेंट को बिजी कर देने में जिससे कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि पीसीओडी की मरीज़ा होती है बेचारी, उसको प्रेगनेंसी नहीं आती है, उसके साइकिल सब नॉर्मल रहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करके आओ। हार्मोनल इम्बैलेंस है, बच्ची का वज़न बढ़ा ही हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है और वो कम नहीं होगा, ये डॉक्टर को पता है, लेकिन उसको ऐसे काम में बिजी किया जाता है जो वो कर ही नहीं सकती। तो इसी तरह के कुछ काम इस बीमारी में भी होते हैं तो इसका पहले इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी में ख़वातीन इसका खास ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको स्पाइडर वेंस भी कहा जाता है, कभी कभी ये बड़ी वेंस के अंदर भी नज़र आता है ये ब्लॉकेज, या कभी कभी छोटी सी स्पाइडर वेंस यानी कि जो जाला होता है मकड़ी का, उसमें किस तरह के स्पाइडर की जो है वो जाल की जिस तरह से होता है उसी तरीके से आपको वो जो वेब है वो आपके पैरों में नज़र आ जाता है। तो ये भी वही है, वो भी वही है, दोनों भी यही है। इसका इलाज को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूँ, 2012 में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की और हमने इस तरह के केसेस देखे, जब बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते थे तो हम कहते थे कि भैया हमारे पास इसका इलाज नहीं है। मसला ये है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है उसका क्लेम करना बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 3-4 साल से अल्लाह का शुक्र है सबों की तादाद में मरीजों को हमने देखा है इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दवाई डेवलप कर ली है। आप वेरिकोज वेन्स में अगर मुब्तला है तो आप इंशाअल्लाह ताला वेरिकोज के नाम से एक लोशन हमने लॉन्च किया है, वेरिकोज लोशन। ये वेरिकोज वेन्स में भी काम करेगा, साथ ही साथ एक और बीमारी होती है वेरिकोसल जिस पर मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें के सेमन जो है मर्द हजरात में 0 पाउंड हो जाते हैं, उसका भी मैं इलाज लेकर आया हूँ। तो पहले क्या है, वेरिकोज जो लोशन है हमारा ये बेहतरीन तरीके से वेरिकोज वेन्स में काम करता है। वेरिकोज लोशन को आप रोज़ाना दिन में 2 घंटे अपने वेरिकोज वेन्स पर लगाएं या रात में सोते वक्त इसको लगाकर आप सो सकते हैं। सुबह इसको गर्म पानी से या नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें लेकिन ठंडा पानी ना हो, इसका खास ख्याल रखें। इसके साथ आपको आसाबी वो जो रगें हैं उसकी कमजोरी दूर करने के लिए सियाकेयर कैप्सूल आती हैं, वो सियाकेयर कैप्सूल सुबह शाम 2-2 गोली खाने से पहले इस्तेमाल करना है और आपके खून को ठीक करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए और बराबर से गर्दिश करने के लायक बनाने के लिए, गाढ़ा ना होने से बचाने के लिए आप लारे प्लस शुगर फ्री सीरप, लारे प्लस शुगर फ्री सीरप है, अब लारे प्लस को हमने शुगर फ्री कर दिया है, लारे प्लस टॉनिक का रोजाना सुबह नहार पर इस्तेमाल करें। इसे वेरिकोज वेन्स में नहीं हार्ट के भी तमाम मसाइल में काम करता है, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल में भी काम करता है। ये 3 चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल कर वेरिकोज वेन्स से बच सकते हैं।